मालिक, माहपारा बेगम के ड्राइवर के पास एक पता है, वो नोट कर लो, हम थोड़ी देर में वहीं जाएंगे। ठीक है मालिक। ये आज की मीटिंग्स कैंसिल कर दें। अस्सलाम वालेकुम साहब, वालेकुम सलाम। क्या करना है? सर्विस करनी है, आयल चेंज करना है, या गाड़ी को चक्का कर चमका दें? वायरिंग भी कर देंगे साहब और कंपाउंड पॉलिश भी कर देंगे। अपने उस्ताद को तो बुलाना जरा। क्यों साहब? सुना है तुम लोग दो नंबर काम करते हो। ऐसा वैसा कुछ नहीं करते हम साहब। सुना है तुम लोग लोगों की गाड़ी खराब करते हो और दुगने पैसे लेते हो। इसने बोल दिया साहब आपको। ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, आपने गलत सुना है। अगर दो नंबर करनी होती ना साहब, इस गाड़ी में आप नहीं हम बैठे होते। मैं खुद अंदर जाऊं? ठहरो, रुक जा बेटा, दो मिनट रुक, तेरे लेके आता हूं, रुक जा। साथ ये बंदा। अब बोलो सेठ, क्या बात है? क्या कर लूं उस्ताद, गैरेज है या फ्रॉड का अड्डा, क्या लूट मार मचाई दिया यहाँ? जुबान सुबाल के सेठ, कल्लू उस्ताद ने जिंदगी भर दो नंबरी नहीं की। पता है कल्लू उस्ताद ने दो नंबरी नहीं की, वरना कम से कम आराम के पैसे से ये सन 60 का रेडियो ही बदल लेते। इसमें से अब गाना कम और रोना ज्यादा सुनाई देता है। परीसा, बेवफा, बेवफा। भूल गया ना अपने कल्लू उस्ताद को? कैसे भूल सकता हूँ तुम, क्या चुपचाप वहां से गायब होके यहाँ छुपे बैठे? अपना जुराग किसी को तो दे जाते, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था। लंबी कहानी है प्यारे, सुनाऊंगा तुझे। मुझे बताया था जानू ने कि अपना परिजात बड़ा सेठ बन गए, पर तू रहा कब हुआ? जानू से मुलाकात हुई तेरी? वो तो निरा जान मुरीद बन गया, बीवी के पल्लू से बन गया वो। मिलता नहीं है तुमसे 3-4 महीने में, आज था एक दफा। अच्छा तो अपनी बता, छोड़ से कहाँ रहा इतने दिन? मेरी कहानी भी बहुत लंबी है उस्ताद। दूध पत्ती की डबल मार के बड़ी चनक मंगवा ले। ओए काके। जी जी साहब। सामने वाली चाय की दुकान को बोल के आज डबल दूध पत्ती। साहब अपने हाथ से बनाऊंगा साहब, आपके दोस्त हैं साहब, गलती हो गई, घर माफ करना। जहर मत डालना। चलो आप बिस्मिल्लाह। इंदिरा मेरी तो सुन ली उस्ताद, अपनी नहीं सुनाई पूरी। क्या सुनाओ शहजादे, वो जगह तो जबरदस्ती खाली करवा ली थी बल्दिया वालों ने, कहते कब्जे की जगह है। वहां वैसे ही मेरा काम ठप चल रहा था। हमने अपने उस्तादों से खुले इंजन वाली गाड़ियों पे काम सीखा है, आजकल पता नहीं कैसी कैसी गाड़ियां आ रही हैं। लगता है हमारा दौर तो अब गुजर गया। ऐसा क्यों कह रहे हो उस्ताद? मुझे अपनी नहीं, अपने इन कारीगरों की फिक्र है परिजात। सोचा बड़े शहर में जाके काम जमाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ ये कम वक्त भी कुछ सीख जाएंगे। और अब कैसा चल रहा है काम? ये लड़के बड़ी मेहनत कर रहे हैं। खैर तू सुना, अमीर बन के कैसे लगता है? सुना बंदे का सुर ही बदल जाता है।